वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। जब तुम जैसे गरीब के पास आईफोन हो सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? आपको कुछ चाहिए यहाँ से? हाँ, फोटो खींच दूंगा, आ जाओ, अभी हम सो जाते हैं, ओके? भाई, नमस्कार दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि आपके कमेंट्स मेरा दिन बना देते हैं। तो फिलहाल में मैं अभी कश्मीर से लौट कर आया हूँ, कश्मीर की ट्रिप को खत्म करके आया हूँ, बड़ा मजा आया। लेकिन कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बिजी अपने आप में नहीं हूँ, बिजी हूँ मैं मेरे घर आए कुछ समय के लिए मेरे ही भैया बंधु वाले मेहमान जो की है ये दोनों, एक तो ये छोटा विदेशी बाबू, एक ये बड़ा विदेशी बाबू जो हमेशा सोता रहता है। तो देखिए, इनको संभालने से लेकर इनको खिलाने तक की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अभी नहीं दिखेगी लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तब दिखती है, ठीक है? तो जिस कारण मैं ठीक से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा, क्योंकि मैं सारा टाइम मटर गश्ती में स्पेंड कर देता हूँ, कैमरे को भूल जाता हूँ, फोन को भूल जाता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मेरी बहनों की हालत कितनी पतली हो गई है। हाँ, मैं कितनी सूख गई हूँ भैया के बिना। ये बेचारी कितनी सूख गई, बेचारी मुरझा गई है दोनों की दोनों। मतलब कि मैं आज बहुत ही मोटा खर्चा करने जा रहा हूँ, इनको शॉपिंग कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, गलती होगी, मेरी जुबान फिसल गई, शॉपिंग नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। आपकी जुबान बहुत अच्छी है। एक्चुअली मेरे पास दो किडनीज है जिनका वजन मुझ पर संभाला नहीं जा रहा, इसलिए मैं उनमें से एक को बेचकर आईफोन लेने जा रहा हूँ। मुझे दे दो। क्या आप दोनों एक्साइटेड हो एक नई आईफोन को वेलकम करने के लिए परिवार में? सही में लेके आ रहे हो भैया? और क्या, मुझे सरप्राइज होगी ना? मे बी, शायद। तो आलस के देवताओं विदेशी छोटे और बड़े बाबू, प्लीज कृपया करके उठ जाइए, क्योंकि उठ जा यार, उठ जा यार, जल्दी उठ, ये 3 बजे से सो रहा है विदेशी बाबू। सुन, तू तो कपड़े लाने की कह रहा था ना, उठ, जल्दी उठ, मन नहीं कर रहा, अब तेरा मन नहीं कर रहा भाई, उठ जा, जल्दी उठ जा। और तू हैं? हां भैया, जल्दी उठ यार, मेरे पापा गिर गया, ओ फटी फटे जाते आज सब कुछ फटेगा भाई। तो देखिए, कुछ खा पी लेते हैं जिससे कि मुझे आपको बाहर कुछ खिलाना ना पड़े। मैं तो बाहर खा के आऊंगी, पहले ही कर रही हूँ। हाँ तो घर से पैक कर ले, चल बाहर बैठ के खा लियो, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? मैं बाहर होटल में खोल रहा हूँ, मैं कुछ खाऊंगी, अमित भैया खिला के लाएंगे मुझे, मैं कैमरा बंद कर दूंगी, नहीं तो देख सर, घर में पनीर की सब्जी बनाई है, चल लेके आ, 2-4 पूड़ी खा लेते हैं बस, पूड़ी होनी है। हम तो बाहर खा गए। अरे तो मेरे लिए ले आ 2-4, जल्दी लेके आ। मैं कैसी लग रही हूँ? बढ़िया लग रही है। ये छोले और पनीर की एक साथ सब्जी बना दी है, तू तो मना कर रही थी खाने को। तो देखिए, शाम हो चुकी है लेकिन हम फिर भी जाएंगे, और हमारे पास टिकटक बंदा भी आ चुका है। तुझे पता है हम क्यों जा रहे हैं? नहीं भैया है, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ आईफोन लेने, मेरे लिए सरप्राइज देने। तो तू बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुआ कि मैं आईफोन लेने जा रहा हूँ? शॉक्ड क्यों है, मतलब रंग बहुत बुरे लग रहे हैं। ओ हेलो, चलो गाड़ी में बैठो सब, चलो गाड़ी निकालू मैं, ले निकाल। देखिए गाड़ी के साथ तेरे प्राण ना निकल जाए। क्या मतलब, अब आईफोन की कोई औकात तक नहीं रही कि उसके नाम पर कोई शौक तक नहीं होता? अभी तो ये के पास है ना, इसलिए। तुम जैसे गरीब के पास आईफोन हो सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? आजा आजा आजा। हे भगवान, आगे की सीट है, प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं जो लड़ रहे हो। किडनैप करके ले यार, ओए किसको तकलीफ हो रही है, बैठे टिक्की बैठे जा पीछे, प्रगटी प्रगटी बकरी की तरह मैं लगी रहती है। ऐसा लग रहा है भेड़ बकरियों को लाद के ले जा रहा हूँ। तुम भी तो भेड़ हो, तू बकरी है, इतनी बड़ी भेड़ है सामने खींच के लेके जा। हमको कहते हैं सुपरमैन। बढ़िया जा, ये मतलब मैं अपने भाई के लिए ले रहा हूँ एक। हाँ जी, एक्चुअली मैं आईफोन को राखी के लिए तो नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ एक ब्रांड न्यू आईफोन हमारे पुनिया के लिए। इसको तो मैं फोन का कलर चूज करने के लिए लाया था। आपको कुछ चाहिए यहाँ से? मैं तो घबरा, हाँ, 2-3 आईफोन, शर्म है कुछ? कौन सा पर्स लेंगे? वाह, लैपटॉप के बैग को पर्स बोल रही है, सॉरी पर्स, उसे पर्स कहते, पर्स नहीं कहते, पर्स कहते। ये है इस एप्पल की दुकान के ओनर जी, ये हमारे भैया, इनका नाम भी अमित है, अमित है। अच्छा, आपकी वीडियो बनाने से मुझे डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ा इधर हो जाओ ना। ये है इन ओनर जी के पुत्र, जिनके साथ मुझे सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है। तो फाइनली हमारा फोन आ गया है और मैंने लिया आईफोन 14 256 GB, जिसको अनबॉक्स करेंगी हमारी राखी बहन जी। मगर अफसोस, इस पर डिब्बा खोलना नहीं आ रहा। फोन देखो, ये फोन नहीं खुल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा बेकार वाले बच्चे हैं ये। देखो यहाँ से ऐसे खींचा जाता है, खींचो खींचो, खींचते
वाहिगुरु वाहिगुरु। काफी कठिन परिश्रमों के बाद इसका टेम्पर लग चुका है। दो दिन तक हमें गड्ढा खोदना पड़ा था टेम्पर लगाने के लिए। अभी मयंक बाबूजी ने बोला था कि अगर यहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड चल गया इसका तो ये मार्शल का स्पीकर दिलाएगा मुझे। ए भैया ये चल जाएगा इंटरनेशनल कार्ड चल जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। काश कोई ऐसा मुझसे भी कहता। मयंक बाबूजी कहते हैं कि यहाँ पर कई सारी शॉप्स पर इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते, तो इनका मानना होता है कि इंटरनेशनल कार्ड यहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये ठीक ठाक बंदे से शर्त लगाते हैं कि अगर इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्ट हो गया तो ये इसे मार्शल का स्पीकर दिलाएंगे। भगवान मयंक जैसा दोस्त मयंक जैसा भाई सभी को दे। अगर आज इसका इंटरनेशनल कार्ड काम नहीं करता तो बिल्कुल खर्चा नहीं होता। मयंक बाबूजी की ओर से ये छोटा वाला स्पीकर अश्वनी बाबूजी को, ले ये बड़ा वाला स्पीकर, और ये छोटा वाला स्पीकर मयंक बाबूजी ने मुझे दिलाया है। तू दुखी ना हो, तुझे आईफोन दिलाऊंगा मैं, तुझे भी, दोनों को एक ही कलर का। तो मोटा खर्चा करके ठीक ठाक बंदे की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता। भैया बहुत तेज भूख लग रही है अब तो। मैं रबड़ी खाऊंगा रबड़ी। इतनी महंगी शॉपिंग की खुशी में हम थोड़ा मुंह मीठा करने हल्दीराम चले आए। मयंक बाबूजी हाँ फोटो खींच दूंगा आजा। भाई तुझे तो रबड़ी खानी है, तुझे क्या खाना है? कुछ भी खाना है, बस खाना है। खाना आने की देर नहीं हुई और ये उस पर चील कौए की भांति टूट पड़े। ये राज कचौड़ी मेरी पर्सनली फेवरेट है लेकिन मैं अभी खाऊंगा नहीं। आराम आराम से खा ले, अपने पैसों से खाना है। खाओ सभी लोग खाओ। दिल पर पत्थर नहीं पूरा पहाड़ रख के बैठे हमारे हमें तो, ये क्योंकि ये कुछ बाहर का खा नहीं सकते, इन्होंने शपथ ली है। ये कह रहे थे मैं मोटा हो रहा हूँ इस चक्कर में। भैया जी लेट्स टेक अ बाइट, थोड़ी सी बाइट लीजिए। अब भैया जी टिश्यू पेपर के अलावा और कुछ नहीं खा सकते। आज बहुत खुश हूँ इसके फोटो खींचने की आफत। तो आज बहुत मोटा खर्चा हो चुका है और उस मोटे खर्चे की पार्टी भी हो चुकी है। सबने खूब खाया, अब खा लिया तो अब सीधा घर चलते हैं। घर पे आकर पिताजी को फोन दिखाता हूँ और बाकी सभी तो सो रहे होते हैं और फोन देखकर तो पापा काफी खुश हो जाते हैं और ये खुश तो हम भी खुश। तो बात कुछ ऐसी है कि अब तो बहुत ज्यादा रात हो गई है, सभी लोग सो गए हैं, तो इस आईफोन को मैं इसको थमा देता हूँ और कल सरप्राइज दे दूंगा पुनिया को, क्योंकि ये फोन मैं पुनिया के लिए लेके आया हूँ। अभी उसको पता भी नहीं है, तभी तो मैं उसको अपने साथ भी नहीं ले गया, तेज बुद्धि को भी इसी वजह से साथ नहीं ले गया। हम ही लोग इसको ले आए फोन को और कल उसको सरप्राइज मिलेगा। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ, अभी हम सो जाते हैं। ओके गुड नाइट गुड नाइट द नेक्स्ट डे। तो हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी ठीक ठाक बंदे के घर पर और पुनिया भी यहीं पर सो रहा है, तो चलिए उसको सरप्राइज देते हैं। तो देखो पुनिया हमारा अभी बहुत ही अच्छी नींद में सो रहा है, अभी इसकी नींद का बलिदान होगा। गुड मॉर्निंग पुनिया, गुड मॉर्निंग पुनिया, गुड मॉर्निंग पुनिया जी। एक नई सुबह के साथ आपके लिए एक नई शुरुआत। उसको होश में तो आ जान दो भाई, इसको मिल क्या रहा है आईफोन। तो आपको कैसा लग रहा है पुनिया जी, आपके हाथ में इतना महंगा फोन है? भैया मेरी तो औकात भी नहीं है लेने की भी। अच्छा थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भैया। ले भाई औकात बन गई तेरी, बहुत ही अच्छी बन गई। मैं एक्चुअली फोन उठा लेता हूँ, इसको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर एक तकिया मुझे मिल जाए तो और काम बन जाए। और ये पुनिया का एकदम वार्म अप होता हुआ फोन चलाने से पहले। क्या बिस्तरों को उठा देगा ये, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पेपर है मेरा आज का। अच्छा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये क्या था? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मेरी तो कुछ औकात ही नहीं इसे देखने की। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, देखो इसकी कैमरे तुम्हारी आंखों से ज्यादा सुंदर है, इसका ये स्क्रीन आपके चेहरे से ज्यादा चमक रहा है। अरे बात बता रहा भाई। चलिए तो अब मैं इस घटिया से ब्लॉग को यहीं कर देता हूँ खत्म। मैं मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।